क्लोज अच्छी है, मैं तो कहूँगा निफ्टी की भी क्लोज अच्छी है। अग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो अब आप लॉन्ग कैरी करके जाएं। निफ्टी ने हमारे उस लेवल को नहीं ब्रीच किया जो हम बात कर रहे थे, 25,250 उसको ब्रीच नहीं किया हमने। कल बहुत लोगों ने मुझे एक सवाल पूछा कि क्या बैंक निफ्टी में कल डबल टॉप लगा। डबल टॉप जब बनता है ना मार्केट में, टॉप से रिएक्शन जो है वो वायलेंट होता है। तीसरी बार इतिहास में बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर बंद हुआ। इससे पहले सिर्फ दो बार ऊपर बंद हुआ था 53,000 के, एक दिन तो जिस दिन इसने ऑल टाइम हाई लगाया था और एक उसके अगले दिन। ऑल टाइम हाई 4 महीने बाद आप जब रिविजिट करते हैं, पहला टेस्ट हमेशा अनसक्सेसफुल होता है। कारण, जो भी लॉन्ग है सबने एल्गो ट्रेड्स ऑर्डर लगाए हुए होते हैं कि यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। इसके लिए वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है पहली बार में, सेकेंड टेस्ट सक्सेसफुल होता है। अगर सेकेंड टेस्ट इसका हुआ तो वो मुझे लग रहा है कि फिर आप उसको क्रॉस करेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर लिया और उसके ऊपर आप टिक गए एक बार के लिए, 2000 पॉइंट और ओपन हो जाएंगे बैंक निफ्टी में। मेरा व्यू ये है कि निफ्टी में अभी भी बड़ा ट्रेंड इंटैक्ट है और वो जो मेरा 27272 का टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है, वो मेरे ख्याल से आना चाहिए। बेस केस मेरा ये है कि ये साल जो है 2024 इसमें हम एंड करेंगे 27272 के ऊपर। एक रिस्क जो मार्केट में खुल रहा है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो है स्टेट इलेक्शंस का रिस्क। तो ये कल आपके लिए कमेंट्री थी, लेकिन देखिए कमेंट्री एकदम सटीक बैठी और मार्केट में आप अभी भी अगर वो ट्रेड राइड कर रहे हैं तो आपके हाथ में पैसा बना हुआ है और बनेगा भी। अनुज, जब सवाल यही है कि अगर किसी ने नया निवेश डालना है या फिर फॉलो अप करना है, अब आपकी अप्रोच क्या रहेगी? वो लॉन्ग टर्म आपने टारगेट दे दिया 27,272, बिल्कुल, अगर उसको अचीव करना है तो वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज अब पकड़नी है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं इसमें एक चीज़ बोलूँ हर्षदा, कई लोग कहाँ गलती कर जाते हैं, कई लोग इस चीज़ में गलती कर जाते हैं कि मैंने पहले नहीं लिया तो अब मैं क्यों लूँ। मार्केट में अगर आपका ये एटीट्यूड होगा तो आप नहीं पैसा बना पाएंगे। अब अगर आपका व्यू है कि 27,272 आ रहा है, अब आपने नहीं लिया 22,000 पर, वो आपकी गलती थी ना, मार्केट थोड़ा ना आपको ओबलाइज करेगा। मैं मुंबई आया, रियल एस्टेट इतनी सस्ती थी, मैंने अगर नहीं ली तो अब मैं थोड़ा ना कह सकता हूँ कि मुझे उसी प्राइस पर वापस मिलेगी, वो नहीं मिलेगी आपको। आगे बढ़ेगा कि नहीं, आगे बढ़ेगा कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट सवाल है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अब जैसे बीच में एकदम से ऐसा रिएक्शन आया, इसमें बहुत लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करा होगा। डे ट्रेडर्स बुक करें प्रॉफिट, पोजिशनल ट्रेडर को ऐसे में थोड़ा सा अपना धैर्य बांध के रखना और उनको एक टाइट स्टॉप लॉस रखना है। अब मैं कह रहा हूँ 25,400 निफ्टी पर ले आएँ, 25,500, 25,400 जो आपको मन करे, और बैंक निफ्टी पर करीब करीब 53,000 का, बस वो अब एक आपका थ्रेशोल्ड हो जाएगा। लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये कॉल आज सुबह किसी ने आके पूछा था कि मार्केट क्यों चल रहा है, मार्केट क्यों चल रहा है, उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। मार्केट इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी तक लोगों को डिसबिलीफ है, फोमो है, अब तक लोगों को पार्टिसिपेट नहीं किया लोगों ने। फेड का फैसला इतना शानदार आया, उसके बाद भी यूएस मार्केट गिर गया, जबकि यूएस मार्केट ने कल 39th टाइम ऑल टाइम हाई लगाया है। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ये बहुत शानदार अप ट्रेंड है इस मार्केट का। एक चीज़ समझ लीजिए, इस मार्केट में अब तक करेक्शन आई नहीं है, किसी दिन करेक्शन आएगी और वो जो करेक्शन आएगी वो ब्रूटल होगी, लेकिन उसको हम टाइम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मार्केट में समय सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट में ना होना। मार्केट में रहिए, स्टॉप लॉस रखिए बस एक, और वो स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। लग गया तो लग गया, मेरे ख्याल से ये मार्केट एक बार के लिए तो आपको 26,000 दिखाएगा स्क्रीन पर, उससे पहले की करेक्शन है। 26,000 तक जाकर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है मार्केट में। अच्छा, 26,000 पर जाकर अगर आप एक बार के लिए 25,000 पर भी आ गए तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद आपने सपोज़ करिए अगर आपने 23,000-24,000 पर ये सोच के आप वेट करते मैं करेक्शन में बाय करूँगा, फिर 26,000 जाके आप 25,000 करेक्शन बाय कर रहे हैं, तो आप 23,000 पर बाय कर लो ना। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ आप इवन इन लेवल्स पर भी अगर आप चाहें तो थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। कल को मार्केट 27,000 तक पहुंच गया तो फिर आप क्या करेंगे, फिर वो मिस्ड आउट फीलिंग जो होती है ना, वो सबसे गंदी फीलिंग होती है मार्केट। और वो 27 का 30 कब हो जाएगा, वो उसमें भी हम वो फोमो रहेगा ही रहेगा। कल राकेश झुंझुनवाला का एक वो जो हमारे साथ इंटरव्यू किया था उन्होंने, वो वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने 2030 में, खैर अब तो मुश्किल लग रहा है लेकिन फिर भी यू नेवर नो, 2030 में उन्होंने एक व्यू लिया था कि निफ्टी आपको 25,000 दिखाएगा, निफ्टी सेंसेक्स नहीं, सेंसेक्स तो उनका कोई मतलब नहीं, निफ्टी 25,000 दिखाएगा। अब तो खैर वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, यहाँ से 5 गुना होना 5 साल में 6 साल में, लेकिन मेरा ये मानना है कि 5-6 साल में तो खैर आप 60-70,000 निफ्टी पर तो होंगे, इतना तो आराम से होना चाहिए निफ्टी पर मेरे ख्याल से। तो बेसिकली कहने का मकसद यही है कि एक लॉन्ग बुल रन में
ट्रेंड जब तेजी का है उसका हिस्सा बनना चाहिए, चाहे वो लेवल कोई सा भी हो। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अभी आज इन लेवल्स पर इंडेक्स को कैसे खरीदूं, मौके आपको मार्केट जब भी देता है उसका एक हिस्सा बनना चाहिए। राजेश जी, उस लिहाज से एक तो स्टॉक आपने आइडेंटिफाई LNT किया है, लेकिन एक और थीम मैं आपके सामने रखना चाहूँगी राजेश अग्रवाल साहब, और क्योंकि दोनों ने LNT दिया था, सॉरी कोलकाता वाले राजेश जी,